तो आज का सेशन है हमारा फार्मूला इंट्रोडक्शन। ठीक है, फार्मूला के क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे बड़े फार्मूला लिखे जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं इनके अंदर, कैसे फार्मूला को समझना है, कोई नया फार्मूला भी है तो कैसे देखेंगे, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि फार्मूला को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो जैसे हम कर सकते हैं इक्वल टू से, फॉर्मूला को इक्वल टू से स्टार्ट किया जा सकता है, प्लस से कर सकते हैं, माइनस से कर सकते हैं, ऐट द रेट से भी कर सकते हैं, पर वो लिस्टेड फार्मूला खाली। मतलब है कि जैसे अगर मैं ऐट द रेट से करना चाहूँ तो ये कैलकुलेशन नहीं होगी। लिस्टेड फार्मूला जैसे सम, वी लुकअप, इस तरह के आप इनसे कर सकते हैं आगे। ठीक है, प्लस से भी कर सकते हैं हम लोग, इक्वल टू से तो पता ही है आपको, माइनस से कर सकते हैं, पर माइनस में पहला वाला कैरेक्टर माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वल टू या प्लस, इनके बाद हम क्या एंटर करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट, जैसे नंबर डालना है तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट डालना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, स्पेस भी देना है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, कुछ नहीं डालना, ब्लैंक देना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, बीच में कुछ नहीं, और क्या दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, बुलियन वैल्यूज़। ठीक है, रेंज दे सकते हैं जैसे ए वन से लेकर A10 तक, इस तरह से कॉलन का। ये कंप्लीट जब हम सिलेक्ट करते हैं, कंप्लीट रो, जैसे कंप्लीट कॉलम हो गया, ये कंप्लीट रो। ठीक है, कंप्लीट रो को रेफर करना है तो रो कॉलन रो आ जाती है, ऐसे ही कॉलम आता है आपका। शीट का नाम देना है तो शीट के नाम के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन देन रेफरेंस। ठीक है, अगर शीट के नाम में स्पेस है तो ये आपका आएगा, इसमें क्या कहते हैं इसे, कोटेशन मार्क, इसके अंदर आएगा ये नाम आपका। ठीक है, जैसे शीट का नाम है एंड और, तो कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। उसके बाद जो फाइल का नाम होता है आपका वर्कबुक का, वो आता है इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, इसके आगे जो है आपका पूरा पाथ आता है। अगर इसमें स्पेस हो तो ये पाथ से लेकर यहाँ तक, एक्सक्लेमेशन के साइन तक, ये कोटेशन मार्क के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आप वैसे इक्वल टू करके भी चेक कर सकते हो कि इक्वल टू करके आपने किसी अदर फाइल को चेक किया तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कभी हमें रेफरेंस बनाना पड़ा तो ये चीज़ें हमारा जानना ज़रूरी है। उसके अलावा हम क्या क्या एंटर कर सकते हैं इसके अंदर, फार्मूला एंटर कर सकते हैं, लिस्टेड फार्मूलाज हमारे। नेम्ड रेंज, नेम रेंज का मैंने सैम्पल आपको पहले दिखाया था कि आप किसी भी रेंज को नाम दे सकते हो, जैसे कि मेरा ये इतनी रेंज है, ये है मेरी K1 से लेकर K7 तक। अगर मैं इसको कुछ नाम देना चाहूँ तो यहाँ नेम बॉक्स में जाके इसका नाम दे सकता हूँ, मान लो कुछ लिख भी दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो ये मेरे को जो रेफ़र करेगी वो इससे करेगी, उसी नाम से मैं इस रेंज को रेफ़र कर सकता हूँ, इनको फार्मूलाज के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपको शीट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे किसी अदर शीट पे भी हो। जैसे मान लीजिए कि अदर शीट पे किसी पे आपका ये फार्मूला लगा हुआ है और नेम्ड रेंज यूज़ हुई है। अब नेम्ड रेंज आपको तो नहीं पता डेटा किसको रेफ़र कर रहा है, तो कहाँ से जाएंगे आप, यहाँ पे या तो इधर नेम्ड रेंज पे या ड्रॉप डाउन लगाए नेम बॉक्स पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अवेलेबल नेम्ड रेंज दिखाता है, तो आप क्लिक करके उधर तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका है, यहाँ फार्मूला में जाएंगे, आपके पास नेम मैनेजर का पूरा सेक्शन है। ठीक है, नेम मैनेजर में देख सकते हैं आपकी क्या नाम है, क्या वैल्यूज़ हैं और किसको रेफ़र कर रहा है, ये रेफ़र कर रहा है, इस रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हैं, ये करके घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नेम्ड रेंज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं ऑपरेटर्स, हाँ डायनेमिक भी कर सकते हैं, मतलब किसी फार्मूला के अंदर डाल के, जैसे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया, नेम मैनेजर में गया, मैं न्यू किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया सम ऑफ डेटा, और यहाँ पे मैंने
फार्मूला दे दिया, ओके कर दिया। तो जब भी मैं इक्वल टू सम ऑफ डेटा करता हूँ तो उसका मतलब है उसका सम, ये फार्मूला से जैसे चेंजेस होंगे। अब ये आपको नेम बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा, अब ये यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये किसी रेंज का नहीं है, ये आपको सिर्फ इधर ही के अंदर मिलेगा कि इसका डेफिनेशन आप यहीं देख सकते हो, ठीक है। तो इसको फार्मूला के थ्रू भी डायनेमिक किया जा सकता है। इसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर होते हैं जो हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब कराते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और पावर का एक होता है अपने पास, कैरेट का साइन होता है, ठीक है। तो कोई भी आपने देखना है तो सिंपली जो मैं बता रहा हूँ कि इक्वल टू से फार्मूला स्टार्ट हुआ, कोई भी कांस्टेंट या रेंज या उसमें फार्मूला नेम्ड रेंज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, उसके बाद कैलकुलेशन के लिए ऑपरेटर यूज़ करते हैं, देन सेम चीज़, ठीक है। अब ऑपरेटर की एक खास बात होती है, देखिए अब इसमें क्या है कि ये और ये इसके लिए इनपुट है, ठीक है, ये इनका प्रोसेसर है, प्रोसेस कर रहा है, और उसके बाद फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो इनपुट टाइप हो सकता है वो न्यूमेरिक होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर में, और आउटपुट भी न्यूमेरिक होता है। जहाँ ये केस हो इनपुट आउटपुट बराबर हो वहाँ पे उसको रिपीटेडली यूज़ किया जा सकता है, मतलब हम प्लस माइनस प्लस इकट्ठे लिखते चले जा सकते हैं, पर ये केस लॉजिकल के साथ नहीं होता। लॉजिकल कौन से होगा? कंपैरिजन के लिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट जो है वो है, इनपुट में आप ये दे सकते हो टेक्स्ट, नंबर, डेट, बुलियन वैल्यूज, बुलियन वैल्यूज इसी ट्रू फॉल्स को किया जाता है, और जो आउटपुट होता है वो बुलियन वैल्यूज ही होती है, मतलब ट्रू फॉल्स में होता है। तो जब इनका इनपुट आउटपुट सेम नहीं है तो इनको रिपीटेडली यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार हम कई लोग इस तरह से करते हैं। जैसे अभी सिंपल कंपेयर के लिए देख सकते हैं कि अगर मुझे कंपेयर करना हो कि क्या ये बराबर है इसके, तो मैं एज ए इक्वल कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा जो कि सही आएगा। पर कई बार लोग इस तरह से करते हैं कि इसी को रिपीट मार देते हैं कि यहाँ से इसको भी कंपेयर कर लिया, यहाँ पे रिजल्ट गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इवेल्यूएट करके देख लेते हैं। तो इसका इवेल्यूएशन प्रोसीजर क्या है? E33 10 F33 10। अब जब दोनों को इवेल्यूएट करेगा तो जो आउटपुट आएगा वो बुलियन वैल्यू में आएगा, और बुलियन वैल्यू जो कि D33 में 10 है वो न्यूमेरिक वैल्यू बराबर नहीं है, तो ट्रू इक्वल टू 10 हो ही नहीं सकता, इसलिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। समझ आया इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इसका ये रीजन है कि हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते इस तरह से। टेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास, एक ही टेक्स्ट ऑपरेटर है कंकैटिनेशन के लिए, जो आपको दो या तीन आप जितना भी जोड़ना चाहें उनको ये कंकैटिनेट कर लेता है। अगर बीच में स्पेस देना है आपने तो फार्मूला वाले ही रूल अप्लाई होंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस आएगा फिर से एंड लग जाएगा। तो हाँ, तो पहले संदीप इस तरह से ये कर लेगा, आगे कुछ लिखना भी हो तो आप इन्वर्टेड कॉमा में, टेक्स्ट की एंट्री इन्वर्टेड कॉमा में ही होती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। उसके बाद डॉलर रेफरेंसेस, और डॉलर रेफरेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ इसी की होती है। अब रेफरेंसेस में लें तो जैसे मैंने इक्वल टू करके ये रेफरेंस ले लिया, A41, ठीक है। इसमें जो ए है, ए आपका क्या है? कॉलम को डिनोट करता है, और 41 रो को डिनोट करता है, ठीक है। तो जब आप इसको ड्रैग करोगे, अभी हम कॉलम में इंक्रीज कर रहे हैं, कॉलम में बढ़ रहे हैं, जी से एच में आई, तो इसका जो है कॉलम इंक्रीज होगा, ए से बी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा, ठीक है, पर रो नहीं बढ़ी अभी। पर जब हम इसको रो में इंक्रीज करेंगे तो यही बढ़ोतरी रो में होगी, ये 43 45, ठीक है। इसका रूल क्या है कि जिसको इंक्रीज करने से रोकना हो उसके आगे आगे डॉलर लगाना है। तो जैसे अगर रो के आगे अगर आपने डॉलर लगा दिया तो रो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह से कॉलम के आगे अगर आपने लगा दिया
तो कॉलम नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। दोनों के आगे लगा दिया तो F4 से आप स्विच कर सकते हो बार बार दबा के, जैसे ये लगा दिया तो ये अब फ्रीज हो गई वैल्यू, ठीक है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि कब हमें कहाँ चिपकना है, वहीं पे डॉलर लगाना है, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था वहाँ डॉलर का ही यूज़ था जाता, ठीक है। अब ये सब देखने के बाद आगे चलते हैं, सिंपल इफ का फॉर्मूला जो देखते हैं, जैसे कि इन दोनों में अगर 50,000 से ज़्यादा सेल है तो 1,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज़ ज़ीरो मिलेगा, सिंपल इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। मैं लॉजिकल टेस्ट, इसमें पैरामीटर होते हैं आपके, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, तीन पैरामीटर है, ठीक है। जब भी आपको फार्मूला लिखना हो, ठीक है, टैब करेंगे ब्रैकेट ओपन तक आएगा, ये जो ये ब्लू लाइन होती है, जैसे टैब करेंगे ब्रैकेट ओपन तक आएगा, ये बोल्ड होगा, ये आपको बताएगा कि कौन सा पैरामीटर आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। फार्मूला में हमें पैरामीटर ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। तो लॉजिकल टेस्ट में हम जिसका लॉजिकल इवेल्यूएशन हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से, ठीक है। तो 50,000 से अबव है, अगर इसका इवेल्यूएशन ट्रू आता है तो हम 1,000 देंगे, अदरवाइज ज़ीरो देंगे, ठीक है। तो इसमें तो कुछ भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं, ड्रैग करना है बस, ठीक है। तो मतलब कि अब इसमें जो बताने वाली चीज़ है कि लॉजिकल टेस्ट ने जो इवेल्यूएट किया F9 करके, आप सिलेक्ट करके F9 करके इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इवेल्यूएशन आया था, पर इस केस में एंटर मार के बाहर ना आए, नहीं तो ये फ्रीज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे इसने बुलियन वैल्यू ले ली। अब इससे ये पता पड़ता है कि यहाँ पे इसे सिर्फ बुलियन वैल्यू चाहिए होती है, लॉजिकल ऑपरेटर दो मत दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी चीज़ में जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ 1,000 लिख दिया, यहाँ 2,000 लिख दिया, इफ़ का फार्मूला लगाया, यहाँ कुछ नहीं लिया मैंने, तो ट्रू फॉल्स, ठीक है, इस तरह से ले लिया, तो यहाँ पे 2,000 क्यों आया ये बताओ। E7 इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब होता है फॉल्स। अब ब्लैंक भी होता है तो भी वो 0 ही कंसीडर होगा। तो इस तरह से आपका इफ़ चलता है, अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो 1,000 आ जाएगा, 0 डाल दूंगा 2,000 आ जाएगा, ट्रू डाल दूंगा, ट्रू फॉल्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के एंटर होता है, ठीक है। ये अलग तरह से डेटा टाइप है, तीन डेटा टाइप है हमारे पास, टेक्स्ट, नंबर और बुलियन वैल्यू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इंसेंटिव निकालना है हमें इस स्लैब में से कि 0 से लेकर 19,999 तक ये इंसेंटिव है, 20,000 से लेकर इतने तक ये इंसेंटिव है, ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास फिर 1,00,000 या उससे ऊपर पे ये इंसेंटिव है। तो ये अब फार्मूला में फिट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, इसको हमें जो फार्मूला होते हैं ना, वो जैसे इफ़ का फार्मूला आपका सिंपल आपका ट्रू फॉल्स का इवेल्यूएशन करता है, जिसके बेस पर दो चॉइस देता है कि ट्रू आए तो क्या करना है, फॉल्स आए तो क्या करना है। तो उसी तरह से देखो, लॉजिक जो होता है ना वो आपको खुद ही सोचना होता है, फार्मूला सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर इसमें लॉजिक बनाएं कि इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इसमें से है, या हम कहें कि ये अगर सीरीज में वैल्यू है तो मैं तो सिंपल बड़ी वाली को पकड़ूंगा कि क्या ये इससे छोटा है तो ये उठा ले, नहीं तो मैं फिर एक इफ़ का फार्मूला जो हमें दो चॉइस देगा, फिर एक में ये फिट करेंगे दूसरे में ये, करते करते लास्ट में आपका ये फिट हो जाएगा। तो इफ़ का फार्मूला इसी तरह से लगाएंगे, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, अगर ये हमारा छोटा है या बराबर है इसके, ठीक है तो क्या करना है, ये लेना है, अदरवाइज़ क्या करना है, हमने आगे चलना है। पर फार्मूला ऐसे लगाना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे स्टैंड बाय वैल्यूज़। स्टैंड बाय का मतलब है किसी तरह से आपको पैरामीटर पूरे करके फार्मूला कंप्लीट करना है, मतलब मैंने 1 डाल दिया ऐसे ही कुछ भी, फार्मूला कंप्लीट हुआ, फिर इस 1 को डिलीट करके दूसरा फार्मूला, ब्रैकेट ओपन क्लोज पहले ही साथ में कर लें, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट की भी बहुत दिक्कत होती है। सेम मैंने लॉजिक लगाया फिर से कि अगर मेरा छोटा है इससे, छोटा है बराबर है
तो ये अदरवाइज फिर से वन दिया, बाहर आ गया। अब मैं बाहर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक शीट में फॉर्मूला लिखता हूँ, कुछ भी लिखता चला जाता हूँ और कोई गड़बड़ होती है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला गायब होता है। पर अगर यहाँ पे आपके गड़बड़ होगी तो एटलीस्ट ये फार्मूला आपका एक बच जाएगा, जहाँ तक आपका पैरामीटर कंप्लीट है वहाँ तक फार्मूला बच जाता है। तो ये प्रोसीजर है, एक एक करके फार्मूला लगाएं, ठीक है। अब इसके साथ ही इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, डॉलर हमें साथ साथ लगाने, ठीक है, जहाँ ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें डॉलर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। इनका कलर आप देख सकते हैं, लिंक का कलर और इसका कलर सेम होगा, इनका कलर आपका। तो कहाँ कहाँ लगाने आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी कोई नहीं लगाना, G39 में, यहाँ पे तो हमें फिक्स ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं डॉलर लगा दूंगा। S39 ये वाला हो गया, यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डॉलर लगाते चलेंगे, एक ब्रैकेट ओपन क्लोज, हमने लॉजिक देना है। तो ये तीन चीज़ की जैसे ही आप प्रैक्टिस इकट्ठे कर लेते हैं तो आपका फॉर्मूला कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, मतलब आधी महारत तो आपको फार्मूला की यहीं से आ जाएगी, इसी हैबिट से, ठीक है। तो अपना फार्मूला आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि अगर ये लेस देन इक्वल टू है हमारा इस वैल्यू से तो ये लेना है, अदरवाइज फिर से तो आप वन डाल के कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे है तो ये देना है, नहीं है तो अब हमारे पास एक ही चॉइस है, ये दे देंगे। तो ये आपका फार्मूला लग गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए लास्ट वाले को, या मतलब नीचे वाले को आप चेक करेंगे कि आपके लिंक हिले तो नहीं है कहीं से, अगर किसी में डॉलर भूले होंगे तो ये लिंक हिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा ये तो मेरा बताने के लिए था कि मतलब कि आप मेगा फार्मूला, बड़े फार्मूला किस तरह से, किस प्रोसीजर से लगा सकते हैं। क्या कोई और फार्मूला है जो ये प्रॉब्लम का हल निकाल दे? हाँ, काउंटिफ नहीं, यही इंसेंटिव निकालना है। इसका जवाब मेरे को बस एक आदमी ने, किसी ने दिया होगा आज तक, बहुत कम लोग बता पाए हैं इसको। सेम प्रॉब्लम एक फार्मूला से हो जाएगी सिर्फ, वी लुकअप कर पाएगा इसको? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये फार्मूला लगाया ना मैंने इंसेंटिव वाला, ठीक है, तो ये मेरे पास डाटा है। अब इसमें यही इंसेंटिव निकालना है, ये मैंने इफ से मेथड से लगाया, एक फार्मूला से ये इंसेंटिव निकल जाएगा, एक और फार्मूला है इफ के अलावा। ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया, ओरिजिनल वर्क तो दूसरा है। नहीं है? ये देखो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मैंने ये ले ली, ठीक है, देखते जाना आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। टेबल एरे ये ले लिया, ठीक है, कॉलम इंडेक्स कौन सा होगा? 3। आगे क्या लगाऊंगा? कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, एक और फार्मूला है लुकअप, इसमें भी लुकअप वैल्यू ले लूँगा, लुकअप वेक्टर, और ये अपना रिजल्ट वेक्टर, ये भी सेम रिजल्ट देगा। देखो वही चीज़ कह रहा हूँ, पता है क्या, कई बार फार्मूला ऐसे रिएक्ट करते हैं जिस जो चीज़ हो सकता है हमें ना मालूम है ना,
कई लोगों को पता होता है, आइडिया होता है कि कैसे करेगा, पर प्रैक्टिकल यूज नहीं मालूम। पर अब इसका हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये कहाँ से आता है? ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो आपकी स्क्रीन टिप आती है ना, जिसमें आप ये क्लिक क्लिक करके ये चेक कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो क्या आपको इसका मतलब मालूम है कि ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेंज लुकअप लिखा रहा है, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों है? ऑप्शनल होती है, ठीक है, वो सही है। तो मतलब दो या मत दो चलेगा फार्मूला। तो जब हम नहीं दे रहे हैं तो वो क्या चलेगा, वो आपको यहाँ से पता पड़ेगा। ये वी लुकअप है, इस पर स्क्रीन टिप पे क्लिक करेंगे, इस फार्मूला की हेल्प फाइल खुल जाएगी आपकी, ठीक है। उसके अंदर इसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी होती है, हाँ। अब ये मेरे पास तो मेरे ख्याल से वो चल रही है, क्या नाम है, ऑनलाइन हेल्प, ऑफलाइन नहीं चल रही, ढूंढ दे, हाँ मिल गई। तो इसमें यही चीज़ आ रही है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब हो गया कि वैल्यू ऑप्शनल होती है, जैसे लुकअप वैल्यू ये रिक्वायर्ड है, टेबल एरे रिक्वायर्ड है, कॉलम इंडेक्स रिक्वायर्ड है, पर ये रेंज लुकअप आपका ऑप्शनल है। तो इसी में इसका जवाब है कि इफ रेंज लुकअप इज आइदर ट्रू और इज ओमिटेड, मतलब देते हो या ट्रू देते हो, तो एन एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट मैच, तो एग्जैक्ट मिल गया तो एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं तो रिटर्न करें। और अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, द नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन लुकअप वैल्यू, नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन लुकअप वैल्यू। तो जैसे कि इसमें इसने वी लुकअप वन किया है, ए टू सी टेन, मतलब ये पूरा चूज़ किया है, वन इसी में ढूंढा जाएगा, ठीक है। तो वन से छोटी कौन सी है, ये है 0.946, कॉलम इंडेक्स टू, तो सेकंड से 2.17, तो ये दिया है आंसर, यही इसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसी तरह से आप ट्रू देते हो तो क्या देगा, यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स वी लुकअप तक के आपके एग्जांपल होते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है, आप उसी पे क्लिक कर दो, अपने आप ही वो हेल्प खोल के आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें डलती हैं, ठीक है। यही चीज़ पढ़ोगे आप लुकअप में, देखो इसका, हाँ लुकअप का फार्मूला जो है बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोक्सीमेट मैच पे ही चलता है, ठीक है। वी लुकअप में ट्रू देते हैं या कुछ नहीं देते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट मैच पे चलता है। तो इस केस में क्या हुआ, 40,000 की रेंज थी तो उसने सामने दे दिया, 37,000 वाले में क्या हुआ, लास्ट वैल्यू 20 ही है तो इसके 200 दे दी, मतलब उसके पास तो 37 से बड़ी हो जाएगी 40, तो इसने यहाँ 200 दिया, इसी हिसाब से इसने चूज़ किया, हाँ। इसका यूज जैसे आपने ग्रेडिंग करनी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह से करना है, दिखाना है, तो यहाँ इसकी जगह आप इंसेंटिव की जगह वो ऐसे लगा दो, ग्रेडिंग करने के काम आएगा, ठीक है ना, रेंज से। मैक्सिमम नहीं देखता, हाँ ठीक है, मैक्सिमम वाले के लिए तो फिर ये इसके बाद लास्ट वैल्यू यही है तो यही देता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, एंड और, एंड और का फार्मूला आता है, हाँ तो एंड का फार्मूला भी लॉजिकल उसमें ही काम करता है, ठीक है। जैसे इसमें इंटरव्यू रिजल्ट है, मैंने कहा तीन राउंड में जिसका वाई हो उसका सिलेक्टेड दिखा दे, अदरवाइज रिजेक्टेड, तो एंड के अंदर हम ये तीनों कंडीशन दे देंगे। और हाँ, ये इक्वल टू जो होता है ना, आप इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ भी दे सकते हैं। केस सेंसिटिविटी अगर चेक करनी है तो एग्जैक्ट का यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट का फार्मूला लगता है। ये तीनों को हमने दे दिया, और इसका रिजल्ट भी, क्योंकि ये लॉजिकल फार्मूला है तो इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में होता है, ठीक है। तो जहाँ तीनों में वाई है वहीं ट्रू, जहाँ तीनों कंडीशन ट्रू होंगी वहीं ट्रू होगा। उसके बाद हम इफ़ का यूज़ कर सकते हैं और लिंक दे सकते हैं खाली लॉजिकल टेस्ट में, सिलेक्टेड रिजेक्टेड। फार्मूला हमेशा ब्रेक करके बनाएंगे, इससे मतलब एक तो सर दर्द कम होगा, ठीक है। अब फिर इसको कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड कैसे करेंगे, अब जैसे हम देखेंगे कि ये डिपेंडेंट है इस पे, तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और उधर डाल देंगे,
ठीक है, ये मर्ज कर दिया हमने फार्मूला। अब इसको हमने क्या करना है, देखो अगर हम कॉपी करके मूव करते हैं तो क्या होता है, तो ये लिंक आगे बढ़ते हैं या तो डॉलर लगाना पड़ता है। इस केस में आप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं इसको, कंट्रोल एक्स का यूज़ करें और पेस्ट करें, उस केस में लिंक मूव नहीं होते, ठीक है। इसको फिर ड्रैग कर सकते हैं, सेम इसी तरह से आपका और का फार्मूला है। पर और का फार्मूला किस पे चलता है, अगर तीनों कंडीशन में से एक भी ट्रू हो गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एंड की जगह मैं कर देता हूँ और, ठीक है। तो बस इसको भी वैसे ही मर्ज कर लेंगे, तो ये जैसे हमने देखा तो इसके अंदर आप लोग ट्रू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें डीएल वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड में से कोई भी एक चाहिए था तो उस केस में ये सिलेक्टेड इजेक्टेड वाला। अब जैसे गवर्नमेंट बैंक की बात करें, ये तो जैसे अकाउंट खुलवाने के लिए प्राइवेट बैंक के पास गए तो उन्होंने तीनों में से एक भी डॉक्यूमेंट पे खोल दिया। अब जैसे गवर्नमेंट पे जाएंगे तो एक सरकारी चाहिए, एक मतलब आईडी प्रूफ चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में से एक चाहिए, इन दोनों में से एक चाहिए, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, इन दोनों में से चॉइस है जहाँ और लगेगा, जहाँ कंपलसरी है वहाँ एंड लगेगा। तो यहाँ एक और लगेगा, यहाँ एक और लगेगा, और ये दोनों और जाएंगे एंड के अंदर। तो हम यहाँ पे पहला और लगा लेते हैं इन दोनों को चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने और लगा लिया, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके आगे बढ़ देता हूँ तो अपने आप ही अगले पे लग जाएगा, कट करके बेशक इसके बगल में रख दूँ। दूसरा और लग गया। अब ये इनको भी लॉजिकल इवेल्यूएशन में ट्रू फॉल्स ही मतलब होता है, तो हम खाली लिंक दे सकते हैं, इक्वल टू ट्रू लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एंड जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू देगा, ठीक है। और इस एंड के बेस पे आप इफ से फैसला कर सकते हो, सिलेक्टेड रिजेक्टेड वाला। ठीक है, अब इनको मर्ज करेंगे। मर्ज के लिए क्या है, फाइनल फार्मूले को देखना है आपने, ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है, ये किस पे, इन दोनों पे डिपेंड है, और ये दोनों फाइनली डेटा पे हैं। तो हमें इसको सबसे पहले फ्री करना है, इन दोनों से हटाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे F28 उठाया, यहाँ से कॉपी किया और F28 की जगह डाल दिया फार्मूला, ठीक है। और यहाँ से उठाया और G28 की जगह डाल दिया, ठीक है। अब इन दोनों की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये अब डायरेक्ट डेटा पे हो गया। अब इस पूरे फार्मूले को उठा के आप उसमें डाल दो, इक्वल टू से पहले पहले का ही फार्मूला S28 में डाल दिया, और कट करके इसको चाहे यहाँ पटक दो और ड्रैग कर दो फिर। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। अब चलो, ये तो जैसे मैंने समझाने के लिए था। अब इफ़ का फार्मूला, अगर मैं कहूँ कि खाली इफ़ के फार्मूले से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कैसे करेंगे, हो जाएगी विदाउट एंड और के? इसका देखो, ये सब चीज़ करा, इस ये सब कराने का तरीका ताकि दिमाग खुल जाए, कैलकुलेशन को कहाँ से तोड़ना है फार्मूला, ठीक है ना। एक शूट में फार्मूला लगता नहीं कभी भी, ठीक है। अगर बड़े फार्मूला लगाने हैं तो उनको हमेशा तोड़ के लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है फार्मूला अपना स्टार्ट ही कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मन में बोलते हुए आप करोगे तो अपने आप, कि जैसे अगर ये इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने चेक करना है कि इन दोनों में वाई है कि नहीं, ठीक है ना। तो इन दोनों में वाई है कि नहीं, चलो इसको हम बाद में करेंगे, वन कर दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने कहा कि फिर किसको चेक करना है, अगर इसमें नहीं है तो इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक ही इफ़ का फार्मूला मेरा काम कर जाएगा और मैं अगले में चेक कर लूँगा कि अगर ये वाई है तो क्या करना है, तब भी यही करना है, इन दोनों में चेक करना है। तो यहाँ पे फिर से वन लग जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फार्मूला चलेगा वही यहाँ पे चलेगा,
है ना, अदरवाइज पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, नहीं तो अगर ये थोड़ा सा और बड़ा जाता तो मैं इसमें भी स्टैंड बाय दे देता, दो दे देता, कुछ और दे देता। ठीक है, तो एक फार्मूला मेरा ये बन गया। अब इस वन के लिए मुझे फार्मूला बनाना है। अब वन के लिए मैं फिर फार्मूला कैसे बनाऊंगा कि इन दोनों को ही चेक करना है खाली। तो ये चेक किया मैंने, अगर ये वाई है तो अब पहले वाई चेक करके आया, यहाँ वाई है तो यहीं पे हो गया सिलेक्टेड, नहीं है तो हमें अगले में चेक करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ वाले इफ में हमें सीधा सा अगर यहाँ मिल गया तो सिलेक्टेड दे देना है, अदरवाइज रिजेक्टेड दे देना है, रिजेक्टेड। ठीक है, अब इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को फॉर। हाँ, तो अब इस फॉर्मूले को हमने कॉपी किया और यहाँ वन वाली जगह पे डालना है। तो इसमें क्या है कि कई बार फार्मूला, ये सेम फार्मूला आपका एक बार पड़ेगा, दो बार, 50 बार पड़ सकता है। ठीक है, तो आप फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हो अपने पास, जैसे मैंने कहा वन को फाइंड करो और इससे रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब बताइए इसमें रिप्लेस दबाऊंगा कि रिप्लेस ऑल दबाऊंगा, सिर्फ पहले वाले में ही करना है। मैं हाँ, तो हम सिर्फ अभी क्या करेंगे, देखो सिंगल सेल में कितनी भी बार रिपीटेशन हो तो रिप्लेस ही दबेगा सिर्फ। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये फॉर्मूला पूरा पड़ गया। अब इसका मतलब और कोई तरीका नहीं है जिससे बना लो, आसान तरीका ये सबसे इजीएस्ट वे है फार्मूला को करने का। चाहे तो और तोड़ के भी किया जा सकता था एक एक लॉजिक को, पर दो इतना मुश्किल नहीं होता, दो टफ इतना नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपके लॉजिकल फार्मूले, बाकी धीरे धीरे चलते हुए हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। अभी हम जो कैसे बढ़ेंगे, आज मैंने लॉजिकल फार्मूले बताए, इफ एरर भी मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, ट्रू फॉल्स, फिर हम बढ़ेंगे टेक्स्ट पे, डेट टाइम, लुकअप रेफरेंसेस, मैथ ट्रिग्नोमेट्री, फिर इसमें से स्टैटिकल इंफॉर्मेशन, फिर डेटाबेस, फिर आपके फाइनेंशियल फार्मूले, यहाँ पे फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल फार्मूले, एरे फार्मूलास, तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं